बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर। जॉब्स एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक पेपर शुरू किया था एसएसटी जनरल का, जो ईटा की जरिए हुआ है, 20/3/2021 को ये निकल ही। इसके दो पार्ट जो हैं ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिए हैं और इसके लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अभी इसके पार्ट थर्ड को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल वाला आइकन होगा इस पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 35 तक हमने इन दो पार्ट्स में हल किए थे, अभी थर्ड पार्ट में 36 से शुरू करते हैं कि शी इज़ नॉट कट ऑफ फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। इनमें से ये जो कट ऑफ यूज़ होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये रिमूव के लिए, रिमूव के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 को लिखते हैं, ह्यूमनिज्म एंड प्रिंटिंग प्रेस वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये किस चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द सिस्टेट, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, लास्ट सिक्स लाइन्स ऑफ सोनेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई वॉन्डर्ड इफ सारा विल बी कम विद अस, तो इनमें से जो ये अंडरलाइन जो फिक्रा है ये कौन सा फिक्रा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉन क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि द यूजुअल एडोल्यूशन ऑफ द ऑफिसर्स मस्ट एंड, तो इनमें से ये जो है इसका करेक्ट अपोजिट मीनिंग जो है इसका क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंडर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। हर डिमनेर मैनर वर नोटिस्ड बाय एवरीवन प्रेजेंट इन द सिटी, तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम है इस वर्ड का ये है ऑप्शन बी, इस करेक्ट आंसर है चेयरलेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन कैन बी श्योर ऑफ यू ऑफ योर हेल्प बिकॉज यू ऑलवेज, इनमें से जो करेक्ट आइटम लगता है इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्ले फास्ट एंड लूज। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि ह्यूमिलिटी इज ऑफन नोटिसेबल इन अ ग्रेट लीडर, तो इसका जो करेक्ट नियरेस्ट मीनिंग है नोटिसेबल का वो है ऑप्शन डी, रिमार्केबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि हिज अनसरप्लस एक्ट वुड ओनली टेंटिमोंट टू रिवर्स एंड डिस्ट्रक्शन, तो इसका जो करेक्ट नियरेस्ट मीनिंग है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट साइड पे जाते हैं। नेक्स्ट साइड है क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि अ रेलवे लाइन दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड इज डिसयूज्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इज अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर, सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। वेल बिगन आ इज हाफ डाउन, इनमें से जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये एडवर्ब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्पाइट हिज डैश पर्सनैलिटी सलमान कैन बी रेदर डैश समथिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 48 का वो है ऑप्शन ए, स्ट्रेंज एंड एक्वर्ड। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि देयर आर सेवरल मिस्टेक इन योर कंपोजिशन, तो इनमें से ये जो सेवरल जो है ये क्या है सेवरल? तो 50 में जो है ऑप्शन डी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि आई डैश माई वर्क वेन असलम डैश टू सी मी, कि आई हैड डन, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी उम्र में हजरत सलम ने अपने चचा अबू तालिब के हमराह मुल्क शाम
तिजारत की औरत थी तशरीफ ले गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 साल की उम्र में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि दसवां लास्ट फोर डिजिट नंबर इज यूजिंग 7089 इज, ये ऑप्शन बी है 079, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि इफ 5 ईयर्स आर एडेड टू अ मेन्स परसेंटेज एंड दैट एज इज ट्रिपल्ड ही विल बी 84, व्हाट इज द इज एज प्रेजेंट एज। तो ये आपने इस तरह करना है, एक्स को तसव्वुर करते हैं, इसके साथ 5 ईयर प्लस करेंगे और इसके अलावा 3 से ज़रब देंगे दोनों को, यानी ट्रिपल है ना, तो 3 से ज़रब देंगे इज इक्वल टू 84। तो 84 इसको अगर आप हल करें तो इससे जो है फ्रेंड्स 23 आता है, लेकिन इधर 23 का नहीं है, ये इन्होंने मिस्टेक की हुई है, 32 लिखा हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से नहीं है, ये मार्क्स सबको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास पार्ट 3, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब पे क्लिक को लाजमी सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, एडमिन आरफ किंग के साथ अल्लाह हाफिज़।